हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं गौतम ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ एमपी जीके के, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए आपके इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन देखिएगा। जैसे भी आपको लगे ये वीडियो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, सांझा चूल्हा क्या है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सांझा चूल्हा एक योजना है, स्कीम है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर को आक्रमण के समय निम्नलिखित में से किस किले में 800 राजपूत महिलाओं ने जौहर कर प्रणोत्सर्ग किया था? तो ऑप्शन दिया हुआ है चार, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है फ्रेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंदेरी का किला, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव को समर्पित प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं इंदौर, मांडू, शहडोल, रीवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहडोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विंध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल ताप परियोजना निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, गुजरात। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल बेड मेथेन गैस पाई जाती है? तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन सेम दे दिए हैं शहडोल में, और इसका करेक्ट आंसर भी होगा आपका शहडोल, तो याद रखिएगा आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर समुद्र में जिस क्षेत्र में मिलती है उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको अमरकंटक याद रखना है, और किस में मिलती है, तो ये खंभात की खाड़ी आपको याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा खंभात की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपके लिए, तो करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, भोपाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत जिलों में कौन सा शामिल नहीं है? तो चार ऑप्शन है, भोपाल, सागर, इंदौर, जबलपुर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत चुनावों में महिलाओं को 30% आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तवा परियोजना किस जिले में है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो तवा परियोजना, तो ऑप्शन दिए हुए हैं सीहोर, रायसेन, जबलपुर, होशंगाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, होशंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम वत्स था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हुए हैं विदिशा, उज्जैन, खजुराहो, ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को जमीन पर कहाँ के वैज्ञानिक ने इसको क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे शायद मिस्टेक है, कर्क रेखा को जमीन पर कहाँ के वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोजा है ऐसा करके। तो ऑप्शन है यहाँ पे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, ये आपको याद रखना है। फिर है, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन है बैतूल, रीवा, बालाघाट, सिवनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड रीवा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा में किस पिछड़ा वर्ग की अंतर्गत आने वाली जाति की अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने का संकल्प लिया गया है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कीर, नाई, बढ़ई, भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स के व्यक्तित्व स्पर्धा में मध्य प्रदेश के एथलीट अंकित कुमार ने निम्नलिखित किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंबी कूद। ओके, फिर देखिए, मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स थाने की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसमें आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इंदौर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 2008 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने सर्वाधिक स्थान प्राप्त किए, दूसरे स्थान पर कौन सी पार्टी रही? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, CPI एवं CPM, जनता दल, कांग्रेस आई, बसपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस आई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगरौली जिला किस तिथि को विधिवत स्थापित किया गया? चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 24 मई 2008। ओके, निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें यहाँ पास करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, दिग्विजय सिंह। अगर आपको यहीं पास अभी प्रेजेंट टाइम पे पूछता और ऑप्शन होता शिवराज सिंह चौहान, तो आपको करेक्ट आंसर शिवराज सिंह चौहान करना था, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है इसलिए दिग्विजय सिंह करना है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो जैसे भी हमारी ये आज की वीडियो आपको लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, और प्लीज़ अभी आप बने रहिए। आपको इसमें अनअकैडमी के बारे में, जो उसके फ्री कोर्स और लाइव क्लासेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, थैंक यू दोस्तों। आज आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्लासेस एंड फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं। साथ ही साथ हमारी स्पेशल क्लासेस भी डेली आपके लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्री क्लासेस के बारे में। फ्री क्लासेस में आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा वो लिमिटेड मिलेगा, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यही अगर हम बात करें प्लस क्लासेस में, तो आपको कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड PDF एंड नोट्स एंड ऑल डाउट सॉल्व बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। यहाँ पे आप 10% का डिस्काउंट भी ले सकते हैं, आप कोड यूज करके 794, एंड इसी कोड के साथ आप फ्री क्लासेस भी हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बार इंस्टॉल कर रहे हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप, तो आपके लिए कोड यहाँ पे इंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा, तो 794 आप कोड इंटर करके आप यहाँ पे फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपके आज भी हमारी क्लास जो है, एक क्लास हमारी 11 AM पे है एंड जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो 6 PM पे है। तो इनकी लिंक भी हम आपको दे देंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप सभी ज़रूर क्लास को ज्वाइन करें। आइए देखते हैं बेनिफिट क्या है सब्सक्रिप्शन का। तो यहाँ पे आपके फेवरेट टीचर्स के थ्रू आप लाइव क्लासेस ले सकते हैं, स्ट्रक्चर लर्निंग मिलेगी, डिफरेंट बैच कोर्स डिफरेंट एग्ज़ाम के, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे, इंटरेक्शन पोल एंड कमेंट क्विज आपको प्रोवाइड होगी, PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप, वीडियो आप डाउनलोड करके ऑफलाइन भी वॉच कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सभी सुविधाएं आपको मिल रही हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी का स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट आपके लिए लाया गया है, जो कि 10th, 18th एंड 25th अप्रैल को यहाँ पे ये टेस्ट होगा, जिसमें कि फर्स्ट से थर्ड जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनको 50% एंड 4 to 10 25% का डिस्काउंट यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करें MPPSC T20 टेस्ट, जिसमें कि 20 क्वेश्चन 20 मिनट में आपको कराए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे कराए जाते हैं 8 PM पे, एनालिसिस सेशन होता है 8:30 पे। तो ज़रूर इस टेस्ट को आप ज्वाइन करें, हमारा कोड CU94 यूज़ करके आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड MPPSC का जो MPG के ब्रह्मास्त्र है, वीकली फ्री रिविजन टेस्ट, ये भी आपको 3 अप्रैल एंड आपके 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, इन सभी टाइम पर आपके लिए प्रोवाइड हो रहा है, तो ये आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 8 मंथ का फाउंडेशन बैच आपके लिए कंटिन्यू है 7 अप्रैल से, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेज मार्च मंथ के हैं, ये अप्रैल मंथ के हैं, तो आप इन बैचेज को देख के आप सभी ज़रूर ज्वाइन करें। और न्यू फ्यूचर अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कि आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव क्विज आप यहाँ पर कर सकते हैं आपके अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। फिर हम बात करें न्यू फीचर जो कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का, जहाँ पे आपके लिए डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, तो कोड इंटर करके आप कर सकते हैं। ये वर्चस्व अर्धमासिक संस्था की पत्रिका है, ये आपके प्लस में अवेलेबल है। तो प्लस की फीस आप देख सकते हैं 1 मंथ का 1440। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा मंथ का ज़रूर यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन लें, जिससे कि आपके कम फी में आप यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोड यही सेम है CU94 कोड के साथ ही आप यहाँ पे प्लस सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं अटेंड लाइव क्लास कैसे अटेंड करेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, हमारी भी क्लास ऐसे ही आपको ओपन होगी, यहाँ से इनरोल कर सकते हैं और डाउनलोड PDF नोट्स भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस तरह से हम पोल्स के थ्रू क्विज करते हैं डेली, आप अपने डाउट पूछ सकते हैं एंड आप सभी डाउट यहाँ पे आप टाइप करके या फोटो अटैच करके सेंड कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं, मेगा क्विज होती हैं आपके वीकली। तो इस तरह से आप MPPSC के जितने भी एस्पिरेंट हैं सभी के लिए ये सुविधाएं आपके लिए लॉन्च की गई हैं, साथ ही साथ व्यापम एग्जाम के लिए, तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।